जय हिंद दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2023 और फ्रेंड्स 6 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो कि आर्टन कैपिटल द्वारा रिलीज की गई के अनुसार इंडिया की क्या रैंक रही। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो रिपोर्ट है ये आर्टन कैपिटल द्वारा रिलीज की गई है और फ्रेंड्स इसके अनुसार अभी हाल ही में जो इंडिया की 144वीं रैंक रही। फ्रेंड्स 2023 में इंडिया की 144वीं रैंक रही, इसके साथ ही 2022 में इंडिया की 138वीं रैंक रही। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो 6 रैंक और पिछड़ चुका है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो ये रिपोर्ट है इसमें लगभग 199 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, तो 199 कंट्रीज में से 144वीं जो रैंक रही वो इंडिया की रही। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये कंपनी का नाम है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके जो नए CMD अभी हाल ही में बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स CMD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इस प्रकार फ्रेंड्स कंपनी का नाम ध्यान से याद रखिए, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फ्रेंड्स इसके जो नए CMD बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल या फिर वैदिक हेरिटेज पोर्टल, इसका उद्घाटन हमें हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह इन्होंने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री या फिर केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्रेंड्स इस वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में UAE के नए उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बने हैं। फ्रेंड्स UAE इसके फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। इस प्रकार फ्रेंड्स इसके जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वॉइस प्रेसिडेंट बने हैं वो शेख मंसूर बने हैं। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिटाजी पेमेंट सर्विसेज कंपनी के नए MD कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी का नाम है हिटाजी पेमेंट सर्विसेज, इसके जो नए MD बने हैं ये बने हैं सुमिल विकम से। इसके पहले फ्रेंड्स जो ये सुमिल विकम से थे ये कैश बिजनेस के CEO थे। फ्रेंड्स ये जो कंपनी है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, इसका जो कैश बिजनेस डिपार्टमेंट था इसके CEO थे, लेकिन अभी हाल ही में इनके पद को एलिवेट कर दिया गया और इन्हें हिटाची पेमेंट सर्विसेज के MD के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को कहाँ बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर में बनने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी जो सेटिंग कैपेसिटी रहेगी वो 75,000 रहेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में जो कि 5 अप्रैल को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो फ्रेंड्स उसमें मैंने बताया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था वो फ्रेंड्स हमारे अहमदाबाद में स्थित है, और फ्रेंड्स अहमदाबाद में जो स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी थी 1,10,000। ये फ्रेंड्स इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी, और ये जो जयपुर में बन रहा है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, और फ्रेंड्स इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 75,000। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम भी देख सकते हैं, इसका नेम होगा अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और फ्रेंड्स ये जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में RBI ने अपना 89वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 अप्रैल को जो उड़ीसा राज्य है ये भी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। इसके आगे फ्रेंड्स जो RBI है इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि RBI को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो RBI के वर्तमान गवर्नर है प्रेजेंट गवर्नर वो शक्तिकांता दास है, और फ्रेंड्स जो RBI की स्थापना है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। फ्रेंड्स जो फर्स्ट गवर्नर बने थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ बने थे। इस प्रकार फ्रेंड्स RBI के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे हैं। इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है इससे आलिया मीर को सम्मानित किया गया है।
इसके आगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स संधि का नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, NATO, नाटो। तो फ्रेंड्स एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब होता है अटलांटिक, और टी का मतलब होता है ट्रीटी, या जिसे हम हिंदी में संधि कहते हैं, और फ्रेंड्स ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, या फ्रेंड्स इसे हम हिंदी में संगठन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो 31वां सदस्य देश बना है ये फिनलैंड बना है। फ्रेंड्स इस नाटो का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर बेल्जियम में स्थित है, और फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस प्रकार फ्रेंड्स नाटो में जो सदस्य देशों की संख्या हो गई वो 31 हो गई, पहले 30 थी, लेकिन अभी हाल ही में फिनलैंड के जुड़ने से जो सदस्य देशों की संख्या 31 हो गई है। इसके आगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कहाँ की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को GI टैग दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में UNA या यूनाइटेड जो आयोग है, इसने अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय है इसको GI टैग दिया है। इस प्रकार फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।